एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है करवा चौथ, तो सारे कपल्स को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। मैंने नहाना धोना, मतलब सुबह की पूजा वगैरह सब हो गई है, एंड ये न्यू वाला सूट पहना है। बोलते हैं ना करवा चौथ में कुछ भी नया पहन लो, चाहे चूड़ी बिंदी वगैरह कुछ भी, तो मैंने ये सूट नया पहना है। शाम को साड़ी पहनूंगी, वो तो मेरी पहले की है। तो ऐसा है आज का दिन। अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी, कुछ सामान वगैरह लेना है। सुबह हमें मिल गया करवा चौथ का गिफ्ट सास ससुर की तरफ से। फिर आप खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेहा खोलना, मेरे हाथ में कैमरा है। क्या इसके अंदर? खोल। गोल्ड की नोज पिन, चार है ये। एक मेरे लिए, एक देवरानी के लिए, एक नेहा के लिए, एक मम्मी के लिए। उसमें से मैं छांट लेती हूँ कौन सी चाहिए मुझे। ये रहा ये री नोज पिंस। अब मैं देखती हूँ कौन सी लेती हूँ। ये है नग वाली। अरे आवाज़ कम करो, ब्लॉग देख रहे हैं। और ये है बिना नग वाली। फिर मैं और हस्बैंड आ गए हैं बाहर, कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। तो पहले भराना है पेट्रोल, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में रुके हैं। एंड आज हमने सोचा था मंदिर जाएंगे, लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे, बट आज सुबह से ही लाइट नहीं थी। मैंने तो सबसे पहले नहा लिया था, तो हस्बैंड और बेटा और भी घर वाले किसी ने भी नहीं नहाया था। एंड ठंडे पानी से नहाना तो यहाँ पे मुश्किल है। तो ये ले लिया मैंने फ्रूट्स और रात को मटर पनीर बनाने के लिए मटर। ये है सब लेते हैं शाम के लिए पनीर। मैंने नोज रिंग भी पहन ली है नग वाली। अभी लेना है थोड़ा मुझे कॉस्मेटिक का सामान। ऊपर शॉप में कॉस्मेटिक का लेना है कुछ थोड़ा सा बाइने में देने के लिए। उस दिन ला गए थे वैसे, हम थोड़ा सा और लेना है ना। फेस पे मेहंदी छप रखी है, देखा ले लिया है यहाँ से सामान। अब करते घर। सब लोग आज घर में ही है, तो हमने सोचा पुलाव बनाते हैं, गरम गरम पुलाव खा लेंगे। ये तो सब लोग तो ड्यूटी का आने का टाइम अलग अलग होता है, तो पुलाव फिर अच्छा नहीं लगता ठंडा। एंड हमारा फास्ट भी है, तो पुलाव भी बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे भांग की चटनी, हस्बैंड बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव। कटपट करके रख दिया, ये बना रहे हैं। ये चल रही है इनकी यहाँ पुलाव बनाने की तैयारी। सब कैसे फैला रखा, भांग की चटनी। शायद मैंने इसकी रेसिपी डाली थी एक बार। इसको भून के और ये लहसुन और ये टमाटर भून रहा है, और हरी मिर्ची, हरी मिर्ची और क्या डालते हैं, नींबू और धनिया, धनिया हरा धनिया। बस इसको पीस देंगे और इतनी मस्त टेस्टी सी चटनी बनती है। क्या है, हस्बैंड ने बना दिया है पुलाव, और लाइट चली गई थी तो मम्मी ने भांग की चटनी बनाई है। झूठ के बोलो, मम्मी ने बनाई है सिलबट्टे में। मुझे सिलबट्टे में अच्छे से बनानी नहीं आती, और अलग ही खुशबू आ रही है। ये देखो पुलाव, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रात को बचा लेंगे व्रत के दिन। पुलाव जी अच्छा बनाया है, फटाफट जी बना। अच्छा तो बनाते हैं, चलो इनको खाना खाने देते हैं। पापा की ड्यूटी है तो मैं बनाती हूँ रोटी, आटा गूंथ कर रखती है। मैं होने जा रही हूँ रेडी, मुहूर्त का टाइम होने वाला है, तो बस मैं होती हूँ फटाफट से रेडी। मैं मेकअप कर लूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी।
डन विथ माय मेकअप। आप पहनती हूँ साड़ी, उसके बाद मिलती हूँ। रेडी होने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे पूजा की तैयारी करने। रेडी मतलब अभी मैं ढंग से नहीं हो रखी हूँ, देखो पूरी साड़ियाँ वहाँ गिर रही है, क्योंकि काफ़ी देर से प्लेट्स बनाने की ट्राई कर रही थी बट अच्छे से बन नहीं पा रही थी, क्योंकि सिल्क में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरे को तो मैं बहुत मस्त साड़ी पहना देती हूँ बट खुद से नहीं पहन पाती हूँ। मैंने सोचा चलो पूजा का टाइम हो रहा है, पहले पूजा कर लेते फिर मतलब अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। एंड आज करवा चौथ के दिन इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे। हुआ क्या, मतलब जब पूरी प्रिपरेशन हो गई, हम कथा पढ़ने लगे, तब हमने कैलेंडर में ध्यान दिया कि कैलेंडर तो अहोई का है, करवा चौथ का नहीं है। हम मतलब और भी सामान लिया, हमने काफ़ी सामान लिया उस शॉप से, तो हमने फटाफट रात हो रही थी तो हमने बोला कि एक कैलेंडर भी दे दो, इतना ध्यान नहीं दिया कि किसका है वो। जब कथा पढ़ने लगे तब देखा अरे इसमें तो स्टोरी अलग लिखी हुई है कैलेंडर में, तब पता चला कि ये अहोई का कैलेंडर है, करवा चौथ का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भगवान माफ़ करे, क्योंकि पूजा तो मन से की है। एंड देवरानी जी का फर्स्ट करवा चौथ है ये, तो मैं उन्हें बता रही थी कैसे कैसे करना है, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। जब मैं फर्स्ट टाइम रखा था तो मैं अकेली थी, हस्बैंड तक मतलब कहीं दूसरे स्टेशन में थे, तो मेरी नेबर थी एक हरियाणा से, उन्होंने मुझे जैसा जैसे बताया तो मैं वैसे ही करती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से, एक तरफ करवा रखा है चावल भर के, उसके ऊपर चीनी, एंड दूसरी तरफ पानी रखा है, एंड थोड़ा बहुत पूजा का सामान, एंड फिर गणेश जी की कथा पढ़ते हैं, एंड उसके बाद करवा माता की, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करते। उन्होंने मुझे यही बताया था तो मैं उसी तरीके से करती हूँ, कोई ज़्यादा पकवान उन्होंने मुझे बनवाने के लिए नहीं बोला था। एंड भी और लोग भी कुछ और वगैरह करते हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं किया था, सिंपल सा हम लोग करते हैं बस ऐसे ही नॉर्मल से पूजा। एंड फिर सास को बायना वगैरह देते हैं बस। एंड मैं तो सुबह सरगी वगैरह भी नहीं खाती हूँ, तो देवरान जी को मैंने बोला कि तुम स्टार्ट कर लो, जैसा फर्स्ट में करते हैं बोलते हैं वैसे ही करते हैं आगे भी, तो वो उनको सरगी स्टार्ट करवा दिए। तो बस ऐसे ही हमारी सिंपल सी पूजा रही, कथा वथा हमने पढ़ ली है दोनों ने मिलके। उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी, वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना ही प्राप्त करता। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा कर। रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है और यहाँ पे छोले बने रख दिए। यहाँ पे बन रहा है पनीर, तो सबने मिलजुल के किया, किसी ने आटा बनाया, किसी ने चॉप किया है। आज मैंने ग्रेवी वाला नहीं बनाया, मतलब थोड़ा ये सूप सूप वाला बना रखा है। ग्रेवी वाला बहुत खा लिया, कुछ दिन पहले ही पालक पनीर खाया था, तो मैंने सोचा आज ये वाला बना लेते हैं। मतलब सोचा क्या, मैंने तो हस्बैंड डिसाइड किया था, मैंने बस बना दिया है। भाभी तो एक्सपर्ट ही है। ये लो जी हमारा पनीर भी बन गया। मुझे भी जो खिलाया था ना झुक जाते हुए, तगड़ा। मैं हो गई अपने कुमाऊनी लुक में रेडी, एंड ये है मेरा पिछौड़ा। ये हमारा ट्रेडिशनल दुपट्टा होता है, ऐसे बोलते हैं पिछौड़ा। ये होती है हमारी नथ, ये है क्या होते हैं झुमके कनफूल, इसमें क्या होता है जो रेड रंग का वो होता है, रेड रंग के नग होते हैं, ये होती है कुमाऊनी की पहचान। और ये होती है हमारी पौंजी,
जो ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं आप इसे। और क्या है, ये है ग्लोबंद जो कि है, फिर ये है मंगलसूत्र और ये मांग टीका। ये है पूरा कुमाऊनी ज्वेलरी हमारी। और जब भी तीज त्योहार होते हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन, जैसे आज करवा चौथ है, तो हम लोग पूरे ऐसे अटायर में रेडी होते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं? साढ़े 8 बज गया है, अभी तक चांद नहीं आया, कहीं नहीं दिख रहा। हमारे घर के सामने तो पेड़ वेड़ है, तो वैसे ही लेट आता है, अब पता नहीं आया कि नहीं आया। तब तक हम फोटो शूट ही कर रहे हैं, रील्स बना रही हूँ। इंस्टाग्राम में जाके देखना, मेरी रील्स आती नहीं है मुझे रील्स बनानी, बट तब भी बना रही हूँ। आ रही हूँ। सोलो तो मैंने खिंचा दिया, अब देवरानी जी के साथ खिंचाते हैं। यह है मेरी देवरानी, यह देखो इनका आज फर्स्ट करवा चौथ है, तो इन्होंने लहंगा पहना है शादी वाला। अब जरा इनके साथ खिंचाते हैं फोटो। चांद चंदा मामा आ गए हैं, बट पेड़ के पीछे छुपे हैं। तब तक हम फोटो शूट वगैरह और कर लेंगे छत पे। वो ले आना, मार्चिस ले आना। दिया हम लोग हो गए हैं रेडी, चांद भी आ गया है, तो बस अब चलते हैं और मिलते हैं आपको छत में। तब तक पापा अंदर ही चलो, नेहा सब करना, किसको पकड़ना? आओ, क्या क्या करना पड़ता है। इधर कहीं यहाँ पे कर लो, और बड़ा कर। ये आगे चंदा मामा, बट पेड़ों के पीछे है। जूम करूं? ओहो क्या हो गया ये रे। यहाँ पे चल रहा है इनका फोटो शूट। हमारा फोटो शूट तो हो गया। मैं ये सोच रही हूँ जब नेहा की शादी हो जाएगी तो तब कौन खींचेगा मेरी फोटो? हाँ तब फोटोग्राफर रखना पड़ेगा। इवान खींच देगा, बड़ा हो जाएगा। एक उधर भी है। चलो करें पूजा। चलो आप पूजा करते हैं। हाँ पहले ऐसी टीका लगा दो, ऐसे करके। हाँ ऐसे टीका, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ा दो। फोटो खिंच देने हैं इनकी। अब इसे नीचे रख दो। अब छन्नी में चांद को देखना, फिर पति को देखना, फिर पैर छूना। ये तो होगा नहीं। पैरों में ही जगह है, पैरों में ही। आई मैं फोटो खींच रही हूँ बाबू। एक बार आ जाओ, चम मामा देख के चले जाओ। ऐसे देख लो। ऐसे तो फोटो ले ली। देखो ना जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ भैया खड़े यहाँ पे। बस रख दो। चांदी का वो ले लिया था आपने? नहीं, उसी प्लेट में लेके आओ। क्यों मेरे को दिया? नहीं खाएगा रसगुल्ला? चाची रसगुल्ला दे रही थी उजाला। ठीक है, अच्छी मती देना, अच्छी मती देना।
ले हाथ में पिछोड़ा पकड़ा उसने ले। हमने पूजा भी कर ली है और बहुत अच्छी रही पूजा। आज का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा, अच्छे से पूरा व्रत हो गया हमारा सफल। अब मम्मी तल रही है पूरियां, तो बस खाना खाते हैं। वैसे ज्यादा भूख तो नहीं लगी है, पानी की ज्यादा प्यास लगी थी। एक मिनट, तो खाना तो है ही, तो बस अब खाना खाते हैं एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ये रही आज की यम्मी थाली स्पेशल। स्पेशल इसलिए क्योंकि फास्ट के दिन तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है। इमान दे रही हूँ, एक मिनट। रायता, छोले की सब्जी, पनीर आलू मतलब मटर पनीर एंड पूरियाँ। इसके साथ हमने आज एक भी फोटो नहीं खिंचाई क्योंकि हमारे घर में सुबह से लाइट नहीं थी, मैंने इसको नहलाया नहीं, तो ये गंदा लग रहा था। इसके साथ हमने फोटो नहीं खिंचाई आज।